भंडारा के अस्पताल में आग लगने की घटना की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि शुक्रवार की शाम को वाड़ी स्थित वेल ट्रीट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आईसीयू में उस समय 10 मरीजों का उपचार चल रहा था। इनमें से 4 को नागपुर के मेयो अस्पताल भेजा गया, लेकिन जानकारी है कि 4 उपचार के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे वेल ट्रीट अस्पताल की आईसीयू वार्ड में अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। धीरे धीरे आग ने अस्पताल को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उस समय करीब 25 मरीज भर्ती थे और इनमें से आईसीयू में 10 थे। आग की सूचना वाड़ी नगर परिषद के दमकल विभाग को मिलते ही तुरंत दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। मरीजों में हड़कंप मचा हुआ था। 4 गंभीर मरीजों को उपचार के लिए नागपुर भेजा गया। पुलिस के अनुसार 4 की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। मंत्री सुनील केदार, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, डीसीपी नूरुल हसन ने भी मुआयना किया। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में धुआं फैला रहा। आग पर नियंत्रण करने के लिए MIDC दमकल नागपुर दमकल व नपवाड़ी ने दमकल कर्मियों ने परिश्रम किया। वेल ट्रीट हॉस्पिटल जो इस वाड़ी का है, यहाँ पर ये आईसीयू में जहाँ 10 बेड का आईसीयू है, वहाँ इसी में जो स्पार्क हुआ उससे अंगार लगी। उस अंगार से कई पेशेंट हताहत हुए हैं, तो कुल मिलाकर 31 पेशेंट थे। उनमें एक पेशेंट तो पहले ही मर चुके, उनका मृत्यु हो चुका था। उनके रिश्तेदार नहीं आने की वजह से उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। बाकी गंभीर पेशेंट तकरीबन 6 थे और बाकी पेशेंट्स को सबको जैसे अंगार लगी, डॉक्टर ने इमीडिएट फायर ब्रिगेड्स वालों को फ़ोन करके बुलाया। उससे काफ़ी लोगों की जान यहाँ बच सकी है। अभी सभी को, किसी को सैलिनताई मैगी अस्पताल, किसी को GMC में, कुछ को सेन गुप्ता अस्पताल में और कुछ को IGMC में भेजा गया है। अभी वहाँ की विस्तृत जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है, मैं उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ और निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी के तहत जो भी होगा वो आपको बता। दमकल विभाग के चीफ फायर ऑफिसर नागपुर महानगर पालिका के रविंद्र उचके ने बताया कि आग की उठती लपटों की वजह से नागपुर महानगर पालिका से 3, वाड़ी दमकल विभाग से 1 और MIDC से 1 दमकल विभाग की गाड़ियां देर रात आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, जिस समय अस्पताल में आग लगी थी। उस समय अस्पताल के दूसरे माले पर 10, तीसरे माले पर 17 और चौथे माले पर 5 मरीज समेत अस्पताल में काम करने वाले करीब 20 कर्मचारी मौजूद थे। सभी को अस्पताल से सही सलामत बाहर निकाला गया। प्राथमिक तौर पर आग अस्पताल की आईसीयू यूनिट में लगे एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल सकेगा। PCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।